जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मज़ेदार पहेलियों में। और शुरुआत करते हैं आज की पहली पहेली से। तो इस पिक्चर को आपको गौर से देखना है और बताना है कि इसमें से इस लड़की का असली पति कौन है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक्चर में ऐसा क्या है जिसको देखकर आप ये पता लगा सकें कि इसका असली पति कौन है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर पता चल गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। अगर आपने इन दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखा है तो इसका असली पति कौन है आपको पता चल गया होगा कि राइट में जो आदमी है उसने अपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, वहीं लड़की ने भी अपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो राइट में है वही इस लड़की का असली पति है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली पहेली की तरफ। डिटेक्टिव मेहुल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उन्हें रोड पर एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसको देखता है तो वो मरा हुआ होता है और वो सोचता है कि वो आदमी यहाँ पर कैसे आया। वहीं वो नज़दीक के टोल बूथ से जाता है और वहाँ के कैमरे से वहाँ की फुटेज निकालता है कि कौन कौन सी गाड़ी वहाँ से गुजरी है। फुटेज में देखने के बाद उसको तीन गाड़ियों का पता मिलता है। वो तीनों के मालिक को वहाँ बुलाता है और उनकी गाड़ी को अंदर से चेक करता है। तो पहली गाड़ी में ये सामान कुछ दिखते हैं उसको, इनको ध्यान से देखता है वो। फिर वो दूसरी गाड़ी में पड़े सामानों को ध्यान से देखता है और उसके बाद वो तीसरी गाड़ी में पड़े सामानों को ध्यान से देखता है। और तीनों गाड़ी के सामान को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसका कातिल कौन है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उसका असली कातिल कौन है? एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर? आप चाहें तो वीडियो को वापस बैक में जाकर दोबारा देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि असली कातिल कौन है। तो ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर का पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ कि असली कातिल कौन है। अगर आपने तीनों गाड़ी को ध्यान से देखा होगा तो दूसरी गाड़ी में एक लाल कलर का ग्लव्स पड़ा हुआ है, वहीं अगर आपने उस आदमी को देखा होगा ध्यान से तो उसके हाथ में भी लाल ग्लव्स था। तो जो कातिल है वो दो नंबर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली पहेली की तरफ। काफ़ी मज़ेदार है ये पहेली और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये पहेली। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ दो पिक्चर है, आपको इनको देखकर बताना है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या नाम बन सकता है। पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर को जोड़ने पर ऐसा क्या बन सकता है? तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको इस पिक्चर पहेली का पता चल गया है या पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। तो जो पहली पिक्चर में है वो एक स्वीट है और सेकंड पिक्चर तो आपको पता ही है वो एक हार्ट है। तो दोनों पिक्चर को जोड़ने के बाद जो वर्ड बनेगा वो है स्वीट हार्ट। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगली पहेली नंबर 4 पे। तो दोस्तों, आपके सामने अगली पहेली है। अगर माँ का नाम मिसेज 90 है, बेटा का नाम 80 है, बेटी का नाम 70 है, तो बताइए कि पापा का नाम क्या होगा? इस पहेली को ध्यान से देखिए, पढ़िए और सोच के बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है या पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ कि अगर आप इस पहेली को पढ़ेंगे कि माँ का नाम मिसेज 90 है, बेटा का नाम 80 है और बेटी का नाम 70 है, तो आपके मन में एक ही आंसर आएगा कि पिता का नाम मिस्टर 100 ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों,
इस पहेली का बहुत ही आसान आंसर है और वो ये है कि जो इसके पापा का नाम है वो मिस्टर 90 है, क्योंकि अगर उनके पापा का नाम मिस्टर 90 है तभी तो उनकी माता जी का नाम मिसेज 90 है। तो चलते हैं अगले पहेली की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर है, इन दोनों पिक्चर को जोड़ के वर्ड बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों पिक्चर को जोड़ के बन सकता है। ध्यान से देखिए दोनों पिक्चरों को और सोचिए और बताइए। दोस्तों अगर आपको इस पहेली का आंसर पता चल गया है या पता है तो कमेंट करना ना भूलें। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। तो पहली पिक्चर एक बैलून का है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका कलर ब्लू है, तो पहली पिक्चर ब्लू है। वहीं पे अगर हम सेकंड पिक्चर को देखेंगे तो एक प्रिंटर है यानी कि प्रिंट। तो दोनों पिक्चर को जो जोड़ के वर्ड बनेगा वो है ब्लू प्रिंट। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की आखिरी पहेली की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने आज की आखिरी पहेली है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि लड़के का नाम क्या हो सकता है पहले और दूसरे पिक्चर को जोड़ने के बाद। आप ध्यान से देखिए और सोचिए। तो दोस्तों अगर आपको इस पहेली का आंसर पता चला, अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में लिखें। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। पहली फ़ोटो है एक मैन की, वहीं अगर हम दूसरी फ़ोटो देखें तो है एक गर्ल की। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो लड़के का नाम आया वो आया मंगल, पहला मैन और दूसरा गर्ल। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो नाम आया वो मंगल। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लड़के का नाम क्या है। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।